नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है टॉरेंट को लेके कि आखिर ये भैया टॉरेंट है क्या, टॉरेंट में सीड्स क्या होती है, पेयर्स क्या होती है, या फिर टॉरेंट एक नॉर्मल डाउनलोड से किस तरह से अलग है, तो अगर ये सारे डाउट्स है आपके मन में और चाहते हैं अगर आप इन सारे डाउट्स को क्लियर करना, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते आपके मन में जितने भी डाउट्स है टॉरेंट को लेके वो सारे खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जब भी हम किसी भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो नॉर्मली किस तरह से डाउनलोड होता है। तो जब हम इंटरनेट पे किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल किसी ना किसी एक सर्वर में स्टोर रहता है और हमारा कंप्यूटर उस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजता है उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही हमारा कंप्यूटर उस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेज देता है, वो सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर उस फाइल को हम डाउनलोड कर पाते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर मेरा या फिर बहुत ही कम सिस्टम अगर उस फाइल को डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट अगर सर्वर तक भेजा है तो यहाँ पे स्पीड अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स अगर उस फाइल को सेम टाइम पे डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट अगर सर्वर तक भेजता है तो ऐसे में सर्वर उतने सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में स्लो हो जाएगा, जिससे हमें डाउनलोड का स्पीड काफ़ी स्लो मिलेगा, हम उतने एफिशिएंट तरीके से उतना स्पीड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो है एक नॉर्मल डाउनलोड, जहाँ पे एक क्लाइंट और एक सर्वर की आर्किटेक्चर होती है। कोई भी फाइल स्टोर रहता है सर्वर पे और क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो डाउनलोड होता है हमारे सिस्टम पे। अब यहाँ पे अगर बात करें हम टॉरेंट के, तो टॉरेंट में ना तो कोई कंप्यूटर सर्वर होता है और ना ही कोई कंप्यूटर क्लाइंट होता है। यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में कनेक्टेड होता है और हर कंप्यूटर अपने आप में एक सर्वर और अपने आप में एक क्लाइंट होता है। इसका बोलने का मतलब यही है कि हर कंप्यूटर जितने भी फाइल्स को वो डाउनलोड करते हैं उतने फाइल्स को वो अपलोड भी करते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि मुझे टॉरेंट से एक मूवी डाउनलोड करना है। अब सबसे पहले मुझे उस मूवी का टॉरेंट फाइल डाउनलोड करना होगा। टॉरेंट फाइल एक ऐसा फाइल होता है, वो एक जस्ट लाइक टेक्स्ट फाइल होता है जो 20 या 25 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। उसमें सारे इन्फॉर्मेशंस होती है उस फाइल के बारे में जिस फाइल को टॉरेंट के सहारे शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे कोई एक मूवी डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले मुझे उस मूवी का टॉरेंट फाइल को डाउनलोड कर लेना होगा और उसके बाद जैसे ही मैं उस टॉरेंट फाइल को अपने टॉरेंट क्लाइंट से, यानी म्यू टॉरेंट हो, बिट टॉरेंट हो या फिर कोई भी अदर टॉरेंट क्लाइंट से जब मैं ओपन करूंगा, तो उसके बाद वो फाइल मेरे सिस्टम पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे का सीन कुछ इस तरह से होता है। वो जो टॉरेंट फाइल मैंने डाउनलोड किया, उस टॉरेंट फाइल में एक होता है ट्रैकर। ट्रैकर एक सर्वर होता है जो ये ट्रैक करता है कि अभी करंटली कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेम टॉरेंट फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, और उन सारे कंप्यूटरों को आपस में इंट्रोड्यूस कराता है और आपस में उस नेटवर्क में जोड़ता है ताकि हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर पाए। मान लीजिए कि जिस मूवी को मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ उस मूवी को 100 लोग डाउनलोड कर रहे हैं और 50 लोग ऐसे हैं जो उसको कंप्लीट डाउनलोड कर लिए हैं। अब ऐसे में वो 50 और वो 100 लोग जो हैं वो आपस में वो फाइल को शेयर कर रहे हैं, और जब मैं भी उस नेटवर्क में ऐड हो गया तो यहाँ पे मुझे 100 लोग ऐसे जो अभी उस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ जितना पार्ट वो डाउनलोड कर लिए हैं उसको अपलोड भी करते हैं, और जो 50 लोग ऐसे हैं जो उस फाइल को कंप्लीट डाउनलोड कर लिए हैं और उसके बाद फिर वो अपलोड होता है। तो यहाँ पे मुझे 150 सोर्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से मैं डाउनलोड कर पाऊँगा, और जैसे ही मेरे सिस्टम में थोड़ा सा फाइल डाउनलोड हो जाएगा, मेरा सिस्टम भी उतने फाइल को, जितना फाइल डाउनलोड हुआ है उसको अपलोड करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे अगर कोई और एक बंदा आ जाता है जिसे सेम मूवी को डाउनलोड करना है, तो वो भी उस मूवी का टॉरेंट फाइल को डाउनलोड करके जैसे वो टॉरेंट क्लाइंट से ओपन करेगा, उसके बाद उस टॉरेंट फाइल में लगा हुआ ट्रैकर की मदद से वो भी इस नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। अब उसे यहाँ पे 151 लोग मिलेंगे, यानी 151 सोर्स मिलेंगे जहाँ से वो उस मूवी को डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास वो पूरा का पूरा फाइल हो। हो सकता है कि किसी के पास शुरू का 2 हिस्सा हो, किसी के पास बीच का 5 हिस्सा हो, किसी के पास लास्ट का 3 हिस्सा हो, या फिर किसी के पास पूरा का पूरा मूवी हो। तो यहाँ पे जब भी टॉरेंट क्लाइंट डाउनलोड करता है तो उसे जिसके पास से भी जो हिस्सा मिलता है वो सारे हिस्से को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। किसी के पास अगर शुरू का 3 हिस्सा मिला तो वहाँ से 3 हिस्से डाउनलोड कर लिया, किसी के पास बीच का 5 हिस्सा मिला तो 20 का 5 हिस्सा डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से जिसके पास से भी उसे जो हिस्सा मिलता है वो हिस्सा डाउनलोड कर लेता है,
और उसके बाद जब कंप्लीट फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद टॉरेंट क्लाइंट उन सारे हिस्सों को आपस में जोड़ के आपको कंप्लीट फाइल दे देता है। यहाँ पे दोस्तों दो टर्म्स आती है, एक होती है सीड्स, एक होती है पियर्स। सीड्स वो लोग होते हैं जो उस फाइल को कंप्लीट डाउनलोड कर लिए हैं, अब उसको अपलोड करते हैं, और पियर्स वो लोग होते हैं जो उस फाइल को करेंटली डाउनलोड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको अपलोड भी कर रहे हैं। तो टॉरेंट बेसिकली दोस्तों इसी तरह से काम करता है, हर कोई फाइल को शेयर करता है, चाहे उसके पास कंप्लीट फाइल हो या फाइल का कुछ हिस्सा हो, वो डाउनलोड भी करता है और शेयर भी करता है, जिससे टॉरेंट का स्पीड भी उतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गई कि टॉरेंट एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, टॉरेंट क्या होता है, सीड्स क्या होता है, पेयर्स क्या होता है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी रिजॉर्ट।